साथी नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल फिजियान में। आप मेरे व्हाइट बोर्ड में एक मेजर पहेली देख रहे हैं। जी हाँ, इसमें क्या है, चार रिक्त जगह है जहाँ पर कोई ना कोई संख्या आनी तय है। और क्या संख्याएं हैं कि यहाँ पर जुड़ने की काम होगी, घटाने की, गुना की और भाग, चारों संख्याएं गणित के एक साथ लागू होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कहना चाहिए 14 आना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें घटाएंगे कौन सी संख्या तो एक आएगी वो प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको गुणा करेंगे, यहाँ की संख्या जो होना चाहिए 15 आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको भाग करेंगे यहाँ पर आने वाली संख्या से, तो क्या आना चाहिए, भाग पर 2 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, है ना मजेदार। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करें आसानी से आप देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, सब को मान लेता हूं चर राशियां। ठीक है, चलिए इनको ए बोल देता हूं। यहां पर ये हमारा हो गया ए, क्लियर। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो ये हमें अब इसे हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से जो पहले समीकरण क्या गया हमारा कि a प्लस बी कितना हो गया हमारा 14। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया नंबर वन। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो a माइनस सी, है ना, a माइनस सी ये हो जाएंगे हमारे 1 के बराबर, दूसरा नंबर देंगे इसको। तीसरा बढ़ते यहां से c इंटू डी बराबर कितना जाएगा यहां से 15, ये हो गया हमारा 15। आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b भाग देना है d से, तो b डिवाइडेड बाय या b भागित d, ये कितना आएगा 2। तो इस तरह से हमें चार समीकरण मिल गए फ्रेंड्स। चलिए अब इसी में हम क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे, इसे मिटा रहा हूं मैं। फ्रेंड्स, हमने चार इक्वेशन प्राप्त कर लिए हैं, इनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले करता हूं कि समीकरण नंबर 1 और 2 को मैं क्या करता हूं, घटा देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि समीकरण 1 में घटाएंगे किसको, समीकरण नंबर 2 को कम करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर लिख देते हैं यहां पर भी, तो ये क्या करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से a प्लस b तो है ना, ये है, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करेंगे ऐसा हो जाएगा और राइट को राइट से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 14-1 यहां से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जब भर करेंगे तो ये जब a धन b हो जाएगा, ऋण जो अंदर जाएगी तो क्या होता है, सभी चिन्हों को बदल देता है। ये धन क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा। अब ये ऋण सी क्या हो जाएगा, धन से जाएगा। तो 14 में एक काम करेंगे, कितना आएगा हमारा 13। ठीक है, यहां से देखते हैं कि ऋण ए और धन कट जाएगा ना, ए में एक घटाएंगे तो कट गया, तो क्या बचे यहां से, बी धन सी बराबर बचा हमारा 13। चलिए इसको नाम देते हैं, 4 तक तो हो गया, इसको नाम देते हैं 5 क्योंकि काम आना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब करेंगे क्या, ये जो इक्वेशन नंबर तीसरा और चौथा है ना, उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करना है, परस्पर गुणा करने पर। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा सी इंटू डी, ये तो है क्लियर, लेफ्ट से लेफ्ट का गुणा करेंगे, राइट से राइट का करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटू, ये हो जाएगा बी भागी डी। तो इस तरह से लेफ्ट काम हुआ, राइट का क्या होगा, 15 को भाग देंगे किससे, 2 से, सॉरी गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे तो 15 × 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं इधर, तो ऐसा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये सी गुणित डी ये हो जाएगा गुना, और इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा बी भागी डी, ऐसा लिख दो क्या इसको, बी बटा डी, क्लियर है, यहां से 15 × 2 हो गए हमारा 30 हो गया, है ना, डी से डी कट गया, तो क्या यहां से बी सी इंटू बी, मतलब इसको लिख दो क्या, बी सी बराबर 30 आ गया इस तरह से। चलिए एक तो समीकरण 5 में था, यहां पर बी की वैल्यू यहां से निकाल कर रख देते हैं इसमें, तो इसको मैं क्या सेट कर दूं, देखिएगा कि बी बराबर मैं लिख दू 30/c, है ना, इसी मान को हम कहां रखेंगे, यहां पास रखेंगे, समीकरण 5 में रख देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आर एन इंटरेस्टिंग। चलिए अगर आप हमारे नए हैं, व्यूअर हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, तो बी की जो वैल्यू कितनी आई है 30/c, और धन है यहां से सी, कुछ नहीं मतलब एक लिख यहां पर घर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं, तो एलसीएम लेंगे ना, तो सी और वन तो गुना कर दीजिए इसको, सी वन या सी, है ना, एक का गुना 30 के साथ, ये भी तरीका है, और सी इंटू सी मतलब सी की घात तो हो जाएगा, ये हो गया 13। ठीक है, तो यहां से तीजा गुणा करेंगे ना, इनका गुणा इनके साथ, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिएगा
30 धन सी की घात 2 बराबर 13 और ये गुणा सी होगा तो 13 सी आएगा। अब पक्षांतरण करके क्या बनाएंगे, इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे। देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखा हूं मैं सी की घात 2 को, क्लियर। अब ये धन 13 सी इस पर आ गया तो ये हो जाएगा ना, तो ये ऋण 13 सी हो गया हमारा। अब ये धन किस किसी पार है ना, इस पक्ष में है, इस तरफ से उस तरफ क्या बचा हमारा, राइट साइड पे 0 बच गया। ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण। चलिए इसको हम गुणनखंड तरीके से बनाते हैं, गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो मध्य पद इसको दो भागों में तोड़ देंगे, क्लियर ना। चलिए तो क्या आ जाएगा देखते हैं, सी की घात 2 तो ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ पर गुणांक 1 है, 1 का गुणांक 30 से करेंगे तो क्या आता है 30, कि इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, ठीक ठीक है। और गुणा करें उस अज्ञात अंकों को तो क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, क्लियर। तो एक तो आ गया 5 6 30 आता है इसी, लेकिन जब इसी को हम जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, कटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो यही फिट नहीं खा रहा है। क्या फिट खा रहा है हमारा, कि एक 10 हो गया और एक 3 है ना, दोनों को क्या करेंगे हम गुणा करेंगे तो 30 आ रहा है और घटाएंगे तो 7 हो रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है ना, 10 13 ठीक। अब चाहिए धन चाहिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर धन चाहिए, धन किस आना है, तो धन कब आता है, जब धन धन को गुणा करेंगे तो धन आता है, या ऋण को गुणा करें तो ऋण आता है। यहाँ पर ऋण है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ ऋण है मतलब दोनों ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऋण 10 सी, ऋण 3 सी ऐसा हो जाएगा, ये हो गया इसका बेस, ठीक है, मैंने बता दिया। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहाँ से करेंगे दो दो का ग्रुप बना लेते हैं, इनका ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से सी बाहर आ जाएगा, ये बच गया सी बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा 10 बचा, ये ऋण है ना, ध्यान दीजिए यहाँ से एक पद काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण, जब बाहर करें यही क्या हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन है, देखिए 3 और 30 तो 3 कॉमन है यहाँ पर, ये देखो ये ऋण बाहर कर रहा हूँ तो यही क्या हो जाएगा, धन बन जाएगा और ये धनात्मक बन जाएगी ऋणात्मक, लेकिन 3 गुना 10 10 बचा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सर ये दोनों स्टेप जो है इक्वल आ गया, मतलब आपका जो काम है वो तोड़ने का सही हुआ, क्लियर। चलिए बाहर करें तो उसी स्टेप को, तो इस तरह से हम बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से C-10 बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो बचा क्या है, गुणा के रूप में C-3 है ना, ये बचा C-3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से दो कंडीशन होती है, एक तो ये बराबर 0 होगी, C-10 इक्वल 0 होगा, क्लियर है। और एक बार क्या होगा, तो यहाँ से C-0 होगा तो C की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 है ना। साथ ही साथ दूसरा बार क्या होगा, याद करके फिर लिखेंगे, एक बार क्या होगा C-3 बराबर 0 होगा तो C की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। तो इस तरह C के 3 आंसर आ गए, सॉरी 2 आंसर आ गए, एक तो 10 होगा या 3 होगा। चलिए मैं यही देता हूँ उसको, इस तरह से C के कितने मान आ गए यहाँ से, एक तो क्या होगा हमारा 10 होगा, एक तो क्या होगा 3 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए C के जो मान आया है उसको यहाँ रख देंगे तो B की वैल्यू निकल जाएगी, इसको भी नंबर देते हैं, 5 हो गया, इसको 6 बोल देता हूँ, ठीक है। बारी बारी से निकालना ना, नहीं तो यहाँ से चलते आएंगे वो भी निकल जाएगा है ना, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या जाएगा 30 और रखेंगे हम सी के जगह में 10 रखेंगे, ठीक है। तो कितना गया 3 आ गया, 0 0 3 आ गया। एक बार फिर देखते हैं, अगर 3 रखते हैं यहाँ पास, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो गया 30/3 मतलब कितना गया 10 आ गया। इस तरह से बी के भी दो मान आते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा बी के दो मान क्या आए, एक तो 3 आया और एक क्या आया हमारा 10 आया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं कहाँ पास, या बी का जी सी मान कंप्लीट हो गए तो आप चले जाएंगे यहाँ पास, ठीक है। चूंकि एक निकालना तो यहाँ काम आएगा, यहाँ भी बन जाएगा, तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 में चलते हैं, नंबर 1 में। तो यहाँ पर बी का मान 3 आया और 10 आया है, यहाँ पर रख देता हूँ मैं, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा A/3 = 14, ठीक है। अब ये धन 3 रखे उस पर जाके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो 14 ऋण 3 बराबर कितना गया यहाँ से 11, ए का मान 1 मिल गया। फिर से हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे यहाँ पास, ए का मान निकालना है तो बी के जगह क्या रखेंगे 10। तो दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, A/10 बराबर हो जाएगा ये 14, क्लियर है। तो धन 10 उस पर जाके क्या हो जाएगा यहाँ से ऋण हो जाना है, ठीक है। तो मान कितना है इसका 4, तो ए के दो मान आ गए, एक तो 11 आया एक 4 आया, लिख देते हो यहाँ पर, एक क्या आया 11 आया, एक क्या आया 4 आया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे इतना। चलिए अब डी बस बच गया हमारा है ना, तो डी बचा है उसको निकालना है, तो क्या करेंगे यहां से काम आएगा, एक तो ये काम करेगा, ये दोनों में से कोई नहीं, तो तीसरा ले लेते हैं, इसको निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, बस हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर सी का मान निकाले हमने 10 निकाले 3 निकाले, तो पहला मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। इस तरह से समीकरण 3 से, तो ये सी का मान हम रखते हैं मान लो 10 रखते हैं, तो गुना डी बराबर 15, ठीक है। अब ये जो 10 है गुना के रूप में उस पर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/10, हल करेंगे तो 15 5 3 बार में ये 2 बार में, तो कितना आया ये 3/2 आया, ठीक है।
अब दूसरा में वैल्यू डालते हैं, सी की जो वैल्यू है क्या डालेंगे आप, तीन रखेंगे है, तो दूसरा हो जाएगा यहां से तीन गुना डी बराबर पंद्रह, तो डी का मान भी क्या हो जाएगा पंद्रह, और ये तीन भाग हो जाएगा इसका, इस तरह पाकर तीन के पढ़ा में एक बार में, ये हो गया पांच बार में, तो डी का जो दूसरा वैल्यू आई क्या आई वो पांच आई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से लिख देता हूं मैं, तो डी के दो मान आ गए, एक तो क्या आया हमारा तीन बटा दो आया और एक आया हमारा पांच, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हमने ए बी सी डी के सबके दो दो आंसर आए हैं, दो में से लेकिन करेक्ट होगा ए, अब वो भी इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं, अगर ए की जगह हम 11 रखें यहाँ पर, ठीक है, और बी की जगह 5 रखते हैं, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 14 आएगा क्या, नहीं 16 आएगा ना, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन में संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो क्या बचेगा, ए की जगह में 4 रखेंगे, यहाँ रख देता हूँ मैं 4, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। इसी तरह बी के जगह में क्या रखेंगे यहाँ पर 10 रखेंगे, तो ये हो गया ना हमारा 4 × 10 मतलब 14, ठीक है। अब यहाँ पर सी की जगह में क्या रखूंगा कि एक आना चाहिए, 4 में क्या घटाऊं, एक आए, देखते हैं यहाँ पर 3 घटाएं कि 10 घटाएं, 4 में 10 कम करेंगे तो हो नहीं सकता, ऋणात्मक आएगी, तो क्या कम करेंगे हम 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर सी की जगह में 3 आएगा। अब इस 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 15 है, तो डी की जगह क्या माना है, 2 माना है ना, तो 5/2 आया, 5 है, तो 3 को मैं किससे गुणा करूं, 5/2 से कि 5 से कि 15 आएगा, तो 5 से ना, तो ये भी हमारा आंसर में शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। और साथ ही साथ बढ़ते हैं कि 10 से को भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर, ठीक है, पूरे हो गए हमारे। तो इस तरह से जो हमारा आंसर क्या आया, ये जो दिया है ये हो गया, ये 4, 10, 3 और 5 हमारे क्या रहे, इस पजल के आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज पसंद आए तो मेरे वीडियो को कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।